Hello students, welcome back. In this video we are going to study the second part of unit 5 digital presentation, and the topic of this video is editing in slides. First of all, we have the different methods to insert a duplicate slides. Suppose humne ek slide create ki hui hai aur hum same uske jaisi ek aur slide lena chahte hain. So for that purpose we have to insert the duplicate slide. The steps are, first of all we have to select the slide. क्लिक ऑन द स्लाइड मेन्यू डुप्लीकेट स्लाइड. जो हमारा मेन्यू बार होता है उसमें से हम स्लाइड मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड वी विल चूज द ऑप्शन डुप्लीकेट स्लाइड. सेकेंड मेथड हमारे पास है कि जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उस पर हमें राइट क्लिक करना है और वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन. दैट इज़ जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है उसके लेफ्ट साइड में जो थंबनेल की फॉर्म में स्लाइड होती है वहाँ हमें राइट क्लिक करना है एंड चूज डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन. थर्ड मेथड इज क्लिक ऑन द डुप्लीकेट स्लाइड आइकन इन द प्रेजेंटेशन टूल बार. प्रेजेंटेशन टूल बार में जो हमारे पास डुप्लीकेट स्लाइड आइकन होता है वहाँ से भी हम डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज डिफरेंट मेथड्स टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्लाइड मेन्यू, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑप्शन. आपकी जो स्लाइड मेन्यू होता है मेन्यू बार में वहाँ उसको आपने क्लिक करना है एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू चूज द न्यू स्लाइड ऑप्शन. सेकेंड मैथड कैन बी राइट क्लिक ऑन द स्लाइड इन द थंबनेल फॉर्म एंड क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑप्शन, वहाँ से भी आप कर सकते हैं. और थर्ड मैथड है क्लिक ऑन न्यू स्लाइड आइकन इन द प्रेजेंटेशन टूल बार. प्रेजेंटेशन टूल बार में हमारे पास ये न्यू स्लाइड आइकन होता है, हम वहाँ से भी न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं. अनदर मैथड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इज कंट्रोल प्लस एम. दिस इज द कीबोर्ड शॉर्टकट जिसकी हेल्प से हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली. सबसे पहले हमें डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करना है. हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस, दिस इज माय फाइल एंड टाइटल 1. सपोज आई राइट हियर गिव एनी टाइटल माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन. लेट अस सेलेक्ट इट एंड दिस इज माय प्रॉपर्टीज ऑप्शन. यहाँ से हमने इसके कलर को चेंज कर दिया. वी वॉन्ट कि जो हमारी सेकेंड स्लाइड है उसमें भी सेम एज इट इज आए, यानी कि सेम कॉपी एक और इसकी क्रिएट हो जाए. तो हमारे पास एक मेथड क्या है, वी विल गो टू द स्लाइड मेन्यू एंड वी हैव टू क्लिक ऑन द डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपकी सेकंड स्लाइड है और जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है दे बोथ आर सेम. इसके बाद आई वॉन्ट, यहाँ से आई वॉन्ट टू क्रिएट द डुप्लीकेट स्लाइड. तो थंबनेल की फॉर्म में जो आपके पास स्लाइड्स हैं इस पर राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन डुप्लीकेट स्लाइड. तो आप देख रहे हैं हमने सेकेंड को किया तो थर्ड भी आपकी क्या आ गई, डुप्लीकेट स्लाइड. So this is the way you can just perform the duplicate slide option in the presentation. And we have also one icon in the presentation toolbar, which is this icon. यहाँ पे आप देख रहे हैं, if I move my mouse pointer, यहाँ पे लिखा आ रहा है duplicate slide. अगर आप दोबारा से इसके duplicate slide create करना चाहते हैं, click on this option, आपको यहाँ पे duplicate slide thumbnail की form में show हो जाएगी. These are the different methods to insert the duplicate slide. Okay. After that we have inserting the new slide. अगर आपको कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, अभी जो आपकी स्लाइड सेलेक्टेड है जस्ट उसके बाद आपकी न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है. वी हैव द स्लाइड 4 एज अ सेलेक्टेड वन. सो वी विल गो टू द स्लाइड मेन्यू एंड यहाँ से आपने ऑप्शन चूज करना है न्यू स्लाइड. यू कैन सी हेयर आपके पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी है, दैट इज कंट्रोल प्लस एम. तो या तो आप स्लाइड मेन्यू में जाके न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो. अब आप देख रहे हो दिस वाज माय फोर्थ स्लाइड, दिस इज माय फिफ्थ स्लाइड, जो कि एम्प्टी है. या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस एम. दिस इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर टेकिंग अ न्यू स्लाइड. और यू हैव द अनदर मेथड जहाँ पे आपके पास ये न्यू स्लाइड का आइकन होता है ऑन द प्रेजेंटेशन टूल बार, यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड विल कम. अब इसके साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो भी है. इसका क्या मतलब है, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस एरो यू विल सी द डिफरेंट लेआउट स्लाइड्स. तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी डिफरेंट लेआउट्स हैं आप इसमें से कोई भी लेआउट लेके अपनी नई स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड सो मेनी स्लाइड्स, सम आर माई डुप्लीकेट स्लाइड्स एंड सम आर द न्यू स्लाइड्स. ओके, आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉपिंग एंड मूविंग द स्लाइड. किसी भी स्लाइड को इफ़ यू वॉन्ट टू कॉपी यू कैन यूज़ द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन बाय राइट क्लिकिंग. और अगर आपको मूव करना है, यानी कि एक स्लाइड को उस पोजीशन से हटा के दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, उसे हम मूविंग कहते हैं. दैट कैन बी डन यूजिंग द कट एंड पेस्ट ऑप्शन. ओके,
और कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, दैट इज कट इज कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट इज कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट वी हैव इज यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अगर हम शॉर्टकट कीज और ऑप्शंस का यूज नहीं करते तो हमारे पास थर्ड मेथड भी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट इज सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्लाइड एंड मूविंग टू अ डिफरेंट लोकेशन बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अगर आपको कॉपी करना है तो आपकी जो स्लाइड सेलेक्टेड है उसे आप कंट्रोल के साथ प्रेस करके रखेंगे और मूव करेंगे कॉपी करने के लिए, और अगर आपको कट करना है तो सिंपली आपको उसे लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके एक लोकेशन से ड्रैग करना है और जहाँ पर भी आप लेकर जाना चाहते हैं दूसरी लोकेशन पर आपको उसे ड्रॉप करना है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हैं, मान लीजिए मेरे पास ये स्लाइड है, आई मेक सम चेंजेस हियर। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड वी चेंज द फॉन्ट फ्रॉम हियर एंड वी चेंज द हाइलाइटिंग कलर आल्सो फ्रॉम हियर। अब मुझे इसी का क्या करना है, इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, तो मेरे पास एक मेथड क्या है, आपके पास यहाँ पे ये दिख रहा है स्लाइड फोर, राइट क्लिक करो इस पर, यहाँ से आपने करना है कॉपी, क्लिक ऑन कॉपी, और मान लीजिए मुझे 6 स्लाइड के बाद चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ इसे कर देंगे 1। ये हमारी 4th स्लाइड है, हमने यहाँ से इसे किया कॉपी और यहाँ पे लाके आप इसे कर देंगे पेस्ट। अब देखिए ये आपकी यहाँ पे क्या आ गई, पेस्ट होके आपकी ये स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके कॉपी करना है, जहाँ पे आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं उस लोकेशन पे जाएंगे और राइट क्लिक करके वहाँ कर देंगे पेस्ट। और अगर हम किसी स्लाइड को कट पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए इसी स्लाइड को कट करके मुझे ऊपर पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक करिए, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन एंड यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। कॉपी पेस्ट में आपकी जो स्लाइड सेम लोकेशन पे भी रहती है और जिस लोकेशन पे आप पेस्ट करते हो वहाँ पे भी रहती है, और कट पेस्ट में क्या होता है, जिस लोकेशन से आप कट करते हैं वहाँ से रिमूव हो जाती है और दूसरे प्लेस पे जाके पेस्ट हो जाती है। तो पहले यहाँ अगर हम कंट्रोल जेड करें तो यहाँ पे हमारी स्लाइड थी, राइट क्लिक करके हमने क्या किया, इसको कट किया। अब हम इसे इस पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लाके इसे कर दिया पेस्ट। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा 1 नंबर का आइकन आ गया, यानी कि 1 के बाद हम इसे लेकर आना चाहते हैं, तो वो वाली स्लाइड हमारी यहाँ से रिमूव होकर सेकेंड पोजिशन पर आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट। इसी को आप शॉर्टकट की मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कट का है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट का है कंट्रोल प्लस बी। तो अगर हमें दोबारा से कट पेस्ट करना है सो जस्ट यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड मूव इट टू एनी लोकेशन एंड फ्रॉम देयर प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी लाइक दिस। ठीक है, जिस भी लोकेशन पर हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि दिस इज माई स्लाइड कंट्रोल सी एंड देन गो टू द नेक्स्ट प्लेस वेर यू वॉन्ट टू पेस्ट इट एंड क्लिक ऑन द कंट्रोल वी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। इसमें आप क्या करेंगे, जिस भी स्लाइड की आपको कॉपी करनी है आप उसे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके रखेंगे। कंट्रोल हमने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया और माउस के लेफ्ट बटन से हम इसे ड्रैग करके जिस भी लोकेशन पर लाना चाहते हैं, आप देख लो जहाँ माउस पॉइंटर जा रहा है वहाँ लोकेशन चेंज हो रही है, आप उसे वहाँ पर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वी कैन मूव इट एनी वेयर, अंडरस्टूड। सेम वे वी कैन डू कट एंड पेस्ट। हमने क्या किया, सिंपली इसे ड्रैग करना है और ड्रैग करके इसे कहीं पे भी ड्रॉप कर देना है। 7th स्लाइड है, हमने इसे यहाँ पे 10th के बाद ड्रॉप कर दिया, ये हमारी इस तरह से आ गई, 7th से हटके और 10th पे आ गई। सो दिस इज माई कट एंड पेस्ट, दैट इज ड्रैग एंड यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप। जब हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं तो हम कंट्रोल जो हमारी की है कीबोर्ड से प्लस हमारी सेलेक्टेड स्लाइड है उसकी हेल्प से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, और जब हम कट एंड पेस्ट कर रहे हैं तो हम सिंपली माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके दूसरे प्लेस पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीटिंग एंड रीनेमिंग द स्लाइड। किसी भी स्लाइड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं सो फॉर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड पेन एंड देन वी हैव टू राइट क्लिक एंड चूज द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। या तो हम डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे पास ऑप्शन है
कि कीबोर्ड से हम बैकस्पेस की या डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीनेमिंग द स्लाइड। रीनेमिंग मीन्स कोई न्यू नेम देना स्लाइड को। सबसे पहले स्लाइड पेन में से हम स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे। स्लाइड पेन वो होता है जहाँ पे हमारी स्लाइड थंबनेल्स के फॉर्म में आती है, नॉर्मल व्यू में। इसके बाद हम उस स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल चूज द ऑप्शन रीनेम स्लाइड। इसके बाद आपको आपके पास रीनेम स्लाइड डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको स्लाइड का न्यू नेम देना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। सो हेयर वी हैव माई स्लाइड। सबसे पहले हम किसी स्लाइड को डिलीट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सी स्लाइड को सिलेक्ट किया, 11 स्लाइड को। राइट क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट स्लाइड, क्लिक किया डिलीट स्लाइड पे, ये हमारी डिलीट हो गई। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए स्लाइड नंबर 10 है, इसे हमें डिलीट करना है। दूसरा मेथड है आप अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस की को प्रेस कर सकते हैं, ये भी डिलीट हो गई। अब हम 9 स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो तीसरा मेथड है आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की को भी प्रेस कर सकते हो। अब हमने डिलीट की को प्रेस किया तो हमारी ये भी डिलीट हो गई। अब हम देख रहे हैं पहले हमारे पास 12 स्लाइड्स थी, वन बाय वन हमने 3 स्लाइड्स को डिलीट किया, वी आर लेफ्ट विद द 9 स्लाइड्स। दिस एरिया इज माई वर्क स्पेस जहाँ पे हम काम करते हैं और जो थंबनेल की फॉर्म में आपको स्लाइड्स दिखाई दी जा रही हैं, दिस इज नोन एज अ स्लाइड पेन। ये हमारा स्लाइड पेन रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रीनेमिंग द स्लाइड्स। रीनेमिंग द स्लाइड्स में अब आप यहाँ पे देखो जो स्लाइड्स हैं बाय डिफॉल्ट आपको इनकी नंबरिंग शो हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम चाहें तो इसको एक न्यू नेम भी दे सकते हैं। सपोज दिस इज माई सेकेंड स्लाइड, आई वॉन्ट टू रीनेम इट। राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रीनेम स्लाइड। यहाँ पे क्या है स्लाइड टू, मैंने कहा गिव एनी अनदर नेम, प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे देखिए जब आप इस माउस जो आपका माउस पॉइंटर है उसे आप इसके ऊपर मूव करेंगे तो इस स्लाइड का नेम आ जाएगा प्रेजेंटेशन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1, 2, 3 ही रहेगा, लेकिन पहले जो यहाँ पे नेम आ रहा था स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, जो भी आप किसी भी स्लाइड को न्यू नेम देंगे दैट विल कम। अगर हम इस पे जाएं तो अभी भी इसका नाम स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 को हमने चेंज किया है नेम, दैट इज द प्रेजेंटेशन इज कमिंग। इसी तरह से आप जितनी भी स्लाइड का नेम चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, इसका मतलब टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना। सो द टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड बाय क्लिकिंग अपॉन द फॉर्मेट मेन्यू एंड द टेक्स्ट ऑप्शन। एंड आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, हमारा जो व्यू का स्पेस होता है दैट इज़ वर्क स्पेस होता है, उसके राइट साइड में एक प्रॉपर्टीज आइकन होता है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इट विल शो यू। वहाँ से आप फ़ोन चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, एनीथिंग। ये करने के बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से हम कंटेंट को कॉपी मूव और डिलीट करते हैं स्लाइड, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे। दिस इज़ माय फर्स्ट स्लाइड। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। द वेरी फर्स्ट थिंग टू मेक द चेंजेस ऑन द टेक्स्ट इज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। फिर आपको यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है, दिस इज़ माय मेन्यू बार फॉर्मेट मेन्यू एंड हियर आई हैव द ऑप्शन टेक्स्ट। आप इसे बोल्ड करना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, बोल्ड हो गया। और इसके अंदर ऑप्शन है आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। आप इसके साइज़ में चेंजेस करना चाहते हैं दैट आल्सो यू कैन डू। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस हैं टेक्स्ट रिलेटेड, स्ट्राइक थ्रू, लाइन लगाना, ओवर लाइन, ऊपर लाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जो भी आप लेना चाहते हैं दैट यू कैन डू। शैडो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, इस तरह से शैडो आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस हैं जिसमें हम आउटलाइन की फॉर्म में इसे लिखना चाहते हैं, सो दिस विल कम इन द आउटलाइन फॉर्म। आफ्टर दैट वी हैव सम अनदर ऑप्शंस, लाइक हेयर वी हैव इंक्रीज द साइज, डिक्रीज द साइज। इफ वी वांट टू इंक्रीज द साइज वी कैन जस्ट इंक्रीज द साइज आल्सो। एंड हेयर यू कैन सी आपके पास यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन भी ले सकते हो और आप इनके शॉर्टकट की को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है विच इज़ अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस। यहाँ से आप जो भी करना चाहें दैट यू कैन चेंज। अपर केस में कैपिटल लेटर्स विल कम, लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, साइकिल केस में इस तरह से आता है आपका ये साइकिल केस आपका क्या हुआ, जिसमें आपके सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल, बेस्ट ऑल विल बी स्मॉल। इसी तरह से आपका यहाँ पे सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में हम क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और बाकी सारे स्मॉल लिखते हैं, तो दिस इज माय सेंटेंस केस।
इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज एवरी वर्ड में आपके पास वही आ जाता है, कैपिटलाइजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, दैट इज लाइक द साइकिल केस. एंड टॉगल केस के अंदर आपका क्या हो जाता है, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो जाते हैं और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आइकन होता है जिसकी हेल्प से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो लाइक दिस, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू. कुछ ऑप्शंस इसके आपको यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में भी मिलेंगे. ये आपका है इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस, एंड यहाँ से आप इसके हाईलाइट कलर को भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस. आपको सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप इसके ऊपर आपने जो भी कलर लगाया दैट यू कैन क्लियर. वापस से आप लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड को प्रेस कर सकते हैं, दैट इज अंडू, जो कि आपकी शॉर्टकट की होती है. रीडू करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास होता है कंट्रोल वाई, दैट इज कैंसिलिंग द लास्ट सेक्शन एंड रिवर्सिंग द लास्ट सेक्शन. कैरेक्टर की स्पेसिंग दे सकते हैं, ये आपके पास वर्ड्स हैं, यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर्स की स्पेसिंग देना चाहते हैं, वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज. अब लूज करते हो तो आप देखो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस आ जाएगा. ये आपका सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है लाइक दिस, पावर की फॉर्म में चढ़ जाता है, और सबस्क्रिप्ट में ये आपके बेस की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ आपके अलाइनमेंट है, जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अब ये सेंटर में अलाइंड है. आप यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट साइड कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो. ठीक है, लाइक दिस द अलाइनमेंट्स विल चेंज. और टॉप में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, या बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं, लाइक दिस यू कैन मेक द चेंजेस, राइट. लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. जस्टिफाई में जनरली जो हमारा टेक्स्ट होता है, अभी देखो यहाँ पे हमने सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन ऑन किया हुआ है, तो जस्टिफाई में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है इट विल कम इक्वल मार्जिन फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड. जैसे कि इफ आई राइट समथिंग हियर एंड आई सेलेक्ट इट, तो अभी तो ये सेंटर में है, लेफ्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, राइट करोगे तो यहाँ आ गया, और जस्टिफाई में इट विल कम लाइक दिस. इसके बाद आपका है अलाइन टॉप, टॉप में अलाइन हो गया वर्टिकली, इस तरह से सेंटर हो गया, और अलाइन बॉटम में आपका नीचे आ गया. ठीक है, इस तरह से आपकी इंडेंटिंग है, स्पेसिंग है, आप जो चीज़ें करना चाहें आप इसके अंदर कर सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे कुछ और भी लिखा, माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन, हमने यहाँ पे लिखा स्लाइड्स, एंड देन हमने यहाँ पे लिखा एनिमेशन, और मुझे ये डेटा अपना टॉप में चाहिए ऊपर, तो आई कैन जस्ट मेक चेंजेस फ्रॉम हेयर फ्रॉम द टॉप. अगर आप इसके बुलेट्स लगाना चाहते हो तो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड चूज एनी बुलेट्स फ्रॉम हेयर. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स हैं जो आपको हाईलाइटेड दिए हुए हैं, आप इनमें से भी ले सकते हो. अगर आप यहाँ से कोई और बुलेट्स लेना चाहते हो तो जस्ट क्लिक ऑन दिस बुलेट, एंड यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स दिखाएगा. तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स को भी चूज कर सकते हैं, विच एवर यू वॉन्ट, एंड देन यू कैन जस्ट वर्क अपॉन देम. हमने ये ले लिया एंड क्लिक ऑन ओके, हेयर क्लिक ऑन ओके. तो अब देख रहे हो यहाँ से बुलेट टाइप चेंज हो गया. इसी तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, ABC की फॉर्म में दे सकते हो, 1, 2, 3 की फॉर्म में दे सकते हो, और अगर आप कोई और नंबरिंग का टाइप लेना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस मोर नंबरिंग बटन, एंड यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस. और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन. सो दिस वे इट विल कम. ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लिस्ट, दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन, दिस इज द वर्किंग. ओके, तो यहाँ से अगर आप बुलेट की फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप कैरेक्टर की फॉर्म में यहाँ से सेलेक्ट करके ये चीज़ें ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बुलेट्स एंड नंबरिंग. जो भी हम डेटा के ऊपर चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, दैट वी कैन डू. इसके बाद आता है हमारा कॉपी पेस्ट करना. तो कॉपी पेस्ट और डिलीट करना है अगर आपको कंटेंट को, सबसे पहले आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे. डिलीट करना है तो सिंपली प्रेस आइदर द बैक स्पेस की और द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. अभी हमने बैकस्पेस किसे किया, मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड्स एंड यहाँ से हमने डिलीट की को प्रेस कर दिया. वापस से लेकर आना है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं अंडू एंड रीडू, यहाँ से हम लेकर आएंगे. अंडू एंड रीडू के आपके आइकन्स यहाँ पे भी हैं, दिस इज अंडू एंड दिस इज रीडू. देखो अंडू, एडिट टेक्स्ट, अंडू किया ये हो गया, और आप रीडू करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी इस तरह से. ठीक है,
इसके बाद अगर आप अपने कंटेंट को कहीं पे कॉपी करना चाहते हो, सपोज दिस इज़ माई कंटेंट, हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आप किसी दूसरी स्लाइड में जाएंगे और उस स्लाइड के अंदर जहाँ पे भी आपको काम करना है उस पर आपने क्लिक किया एंड क्लिक ऑन Ctrl+V, ये आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप वापस से उसको अगर मान लीजिए कट पेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आपने इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आपने यहाँ से इसे कट किया, हमने वापस फिफ्थ स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, प्रेस द एंटर की एंड इट विल बी पेस्टेड हेयर। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारी स्लाइड थी यहाँ पे एनिमेशन तो है क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था, एनिमेशन वर्ड यहाँ पे भी है और फिफ्थ स्लाइड में भी है, लेकिन जब हम फर्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं तो हमने स्लाइड जो हमारा वर्ड था वो यहाँ से हमने कट किया था, तो वो यहाँ से रिमूव हो गया और वो इस पोजीशन पे पेस्ट हो गया। तो वो हो गया मूविंग द कंटेंट, और कॉपी पेस्ट में आपका क्या हो गया, इट इज़ एट द सेम लोकेशन, अर्लियर लोकेशन ऑल्सो एंड द न्यू लोकेशन ऑल्सो। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू फॉर्मेटिंग इन स्लाइड्स एंड द एडिटिंग इन स्लाइड्स। दिस वॉज ऑल अबाउट एडिटिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट द डिजिटल प्रेजेंटेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इन केस एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। I will meet you in my next video with the another topics of this unit. Thank you.